अपनेत्री के घर में ही मिला पुत्र वधू का खून से लहूलुहान शव। खून से लथपथ शव के मिलने से क्षेत्र में सनसनी का माहौल। सपा नेत्री की पुत्र वधू के सर में गोली मारकर की गई हत्या। पुलिस सहित फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंच जांच में जुटी। अभी डायल 100 के माध्यम से लगभग 1:15 बजे 12:45 पे सूचना प्राप्त हुई कि हनुमान चौक के पास एक घर में महिला की गोली लग के हत्या हो गई है। इस सूचना पे पुलिस आई तो ये कुल्लन देवी है यहाँ पे, जो समाज सेविका भी है, उनकी पुत्र वधु की संदिग्ध स्थिति में मौत हुई है, जिसके माथे पे गोली लगी हुई है। सबको पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और परिजनों से इस संबंध में पूछताछ जारी है। नहीं नहीं, अभी इस तरह की कोई तहरीर प्राप्त नहीं हुई है, अभी पूरा मामला संदिग्ध है। हाँ, उसके जो प्रथम दृष्टया लग रहा है फायर आर्म इंजरी है, लेकिन अभी परिवार जो सहयोग करेगा, जो बताएगा, इसके अलावा हमारी फॉरेंसिक टीम भी आ गई है, सभी चीजों का जब संकलन किया जाएगा तो कोई तथ्य सामने आएगा, क्योंकि परिजनों का भी सहयोग इसमें बहुत जरूरी है।